हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि नई NMC गाइडलाइन क्या है हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड या कोई कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड। हाय, आई एम डॉक्टर विवेक अम्बेडकर, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। तो बेसिकली जो आपने सुना होगा, 20 सितंबर 2022 को नई NMC गाइडलाइन आई है अकॉर्डिंग टू कौन से जो एक्सपर्ट हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए और कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए। तो बेसिकली उसमें ये लिखा गया है कि जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी है, कोई कॉस्मेटिक सर्जरी है, वो MCH या DNB प्लास्टिक सर्जरी वाले कर सकते हैं। एंड दूसरा, जो MD डर्मेटोलॉजी या DNB डर्मेटोलॉजी को ही एक्सपर्ट माना गया है अकॉर्डिंग टू नई NMC गाइडलाइन। और दूसरा, जो NMC कहती है कि जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी है वो किस सेटअप पे करनी चाहिए। तो बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी एक सर्जिकल प्रोसीजर हो जाता है, तो उसके लिए आपको एक हॉस्पिटल सेटअप की ज़रूरत होती है। और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी से पहले प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कोई एडवर्स रिएक्शन है दवाइयाँ से तो उसकी जाँच होनी चाहिए। बेसिकली NMC ये कहती है कि इस हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी से पहले प्री ऑपरेटिव प्लानिंग होना चाहिए। डोनर एरिया कहाँ से हार्वेस्ट करेंगे, रेसिपिएंट एरिया क्या कैसा है, उसकी पूरी प्लानिंग सर्जरी से पहले होनी चाहिए। हॉस्पिटल सेटअप होना चाहिए और जो इमरजेंसी दवाइयाँ हैं वो अवेलेबल होना चाहिए। तो बेसिकली NMC की जो गाइडलाइन है उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप पूरी गाइडलाइन उसको पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली NMC ये कहना चाहती है कि जो नई गाइडलाइन है उसमें कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी से पहले आप जिस सर्जन से भी करा रहे हैं तो पहले तो आप ये देखें कोई MCH या DNB प्लास्टिक सर्जरी होना चाहिए, और या तो MD या DNB डर्मेटोलॉजी होना चाहिए। तो उन्हीं को एक्सपर्ट माना गया है क्योंकि उनकी जो कोर्स के दौरान ये करिकुलम में रहता है हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड या कोई कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड। तो बेसिकली आपकी जो होमवर्क करके जाना है कि आपको ये देखना है कि किससे सर्जरी करा रहे हैं। और इससे रिलेटेड और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको जो जानकारी लोग क्वेरी करते हैं उसको जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।